आपको पता है पीवी सिंधु पिछली बार जब सिल्वर जीती थी तो सबसे पहले पीवी सिंधु की कास्ट देखी गई थी गूगल पे कि उसकी कास्ट क्या है। अगर वो दलित है तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, वो भाड़ में जाए, उसका क्या हुआ, जीत लिया। अगर वो चुवक से आती है तभी उसका सपोर्ट करेंगे। मेडल मोदी ने तो दिलवाया है, योगी तो बैठ के उनको सिखा रहा था सब कुछ, मोदी ही सिखा रहा था उनको सब कुछ, तब जाकर वो मेडल लेकर आ गई। मीराबाई चानू हो गई या फिर कोई भी हो गया, हमारे भारत के खेल जो खेल खेल रहे हैं मतलब उनको तो एटलीस्ट शर्म आनी चाहिए। कोई लिख रहा है कि रविंद्र जडेजा कि मुझे गर्व है मैं ठाकुर हूँ, कोई लिख रहा है रैना कि मुझे गर्व है मैं ब्राह्मण हूँ। आप हमें मतलब हमें गर्व बताएंगे, हमारे शिक्षा का बजट उसके बाद हमारे खेल का बजट लगातार कम करते रहे, उसके बाद गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल आ जाए तो अपनी वाहवाही कराने मोदी सबसे पहले पोस्टर बनवा ले। उनके माँ बाप के लिए है, इस सरकार के लिए नहीं है गर्व की बात, हम लोगों के लिए जरूर गर्व की बात है, पर इस सरकार के लिए नहीं है क्योंकि इस सरकार ने लगातार खेल का बजट कम किया। ढोंगी बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने, अभी इसने ये भी बोला कि हमारा जो यूपी है वो स्मार्ट सिटी बन गया है, सबसे नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे तो है, मुझे एक बात उनकी बिल्कुल ठीक लगी, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोले थे उस टाइम पे, वो नंबर 1 पे है। बलात्कार में नंबर 1 पे है, गुंडाई में नंबर 1 पे है, मॉब लिंचिंग में नंबर 1 पे है। जहाँ देखो वहाँ हिंदू मुसलमान, जहाँ देखो वहाँ हिंदू मुसलमान, साथ पुजारी के साथ, क्योंकि वो पुजारी है उसके साथ अगर वो खड़े हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो भी एक बलात्कारी हैं, पिटाए हैं। तो आज जो भी हमारे भारत में हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी एक अंधभक्ति है, जो हिंदुत्व का एक उन्होंने नारा चलाया। दलित कब हिंदू होते हैं, सिर्फ वोटिंग टाइम पे। आज इनको दलित नहीं दिख रहे कि हिंदू थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबरों में आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, एक नाबालिग के दिल्ली में जो रेप हो जाता है, जो है बेटियां इतनी सुरक्षित हो चुकी हैं देश में, ये सब बातें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। हमारे साथ हैं नया भारती जी, क्या कहेंगे, अब तो बेटियां सुरक्षित हैं? बेटियां सुरक्षित हैं, दिख रहा है हमें बेटियां कितनी सुरक्षित है। हमारे भारत में जिस तरह के दावे किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे, या फिर जिस तरह से भी बोला गया कि हाँ हमारी सरकार के बाद बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी, हम सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा पे काम करेंगे, वही देश है जहाँ पर 9-9 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उनको जला दिए जाते हैं तो उनके सिर्फ पैर मिलते हैं, शरीर भी सारा ख़त्म हो चुका होता है, तब हमें नींद हमारी खुलती है, हमें तब लगता है कि हाँ भैया लड़कियों की सुरक्षा भी कुछ है, कुछ कर लीजिए उनके लिए, किसी से आवाज़ लगा लीजिए, किसी से गुहार लगा लीजिए ताकि उनके परिवार के लिए कुछ कर दे। ये देश है हमारा, जिस भारत में देवियों का रूप लड़कियों को माना जा रहा है उसी देश में देवियों का बलात्कार हो रहा है, ये देश है हमारा। जिस भारत में लड़कियों को बोला जाता है कि हाँ लड़कियां हैं कंचके के रूप में हैं, उनके पैर धो के पिए जाएं, वही भारत है जहां पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और गैंग रेप होता है, पूरा 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोग जाकर और मंदिरों में रेप कर देते हैं, वही भारत है हमारा। और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे भारत में लड़कियाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, हमारे भारत में जैसे कि इन्होंने बोला अभी ढोंगी बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने, अभी इसने ये भी बोला कि हमारा जो यूपी है वो स्मार्ट सिटी बन गया है, सबसे नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे तो है, मुझे एक बात उनकी बिल्कुल ठीक लगी, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोले थे उस टाइम पे, वो नंबर 1 पे है, बलात्कार में नंबर 1 पे है, गुंडाई में नंबर 1 पे है, मॉब लिंचिंग में नंबर 1 पे है। अगर ये सब चीज़ें नंबर 1 है तो सही में वो नंबर 1 तो है ही, उसके अलावा वो हर चीज़ में नंबर 1 पे है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था हम राम मंदिर बनवाएंगे, बनवा दिया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने नहीं कहा था कि भैया हम लड़कियों का रेप नहीं होने देंगे, उन्होंने साफ साफ बोला था कि ये राज्य अगर हम आ गए यहाँ पर तो हिंदुत्व होगा सिर्फ, और वही तो हो रहा है, उसके अलावा बचा ही क्या है हमारे देश में, कुछ भी तो नहीं बचा। जहाँ देखो वहाँ हिंदू मुसलमान, जहाँ देखो वहाँ हिंदू मुसलमान, उसके बाद हमारा हिंदू मुसलमान के भी बात छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान में भी अब ये देखा जाएगा कि किसकी बच्ची दलित है उसका ही रेप करना है, उसका ही बलात्कार कर करना है, ये नहीं देखते हम कि हाँ भैया लड़की है तो देवी का रूप है। हमारे भारत में अब देवियों के भी रूप बढ़ गए हैं, जैसे कि बोला ना हमारे राम है, तुम्हारे ये है, तुम्हारे वो है, इस तरह से हमारे जो भारत में लड़कियों की जो देवी का रूप होता था वो भी बढ़ गया है। जो मुस्लिम और दलितों की बच्ची है वो है मजे लेने की चीज़, वो है यूज़ करने की चीज़, जैसे कि इनके दरोगाई ने बोला खुद आजमगढ़ में कि तुम तो होते ही मजे लेने के लिए हो। हमारे जो उच्च वर्ग, सो कॉल्ड उच्च वर्ग के जो लोग अपने आप को उच्च वर्ग का मान बैठे हैं, वो असली देवियों का रूप है। मेरठ में भी ऐसे कुछ कहा था, एक खबर आई थी, उन्हीं की पूजा की जाएगी, क्योंकि दलित की बच्चियाँ कभी भी बाहर निकले उनकी जीन्स देखी जाएगी, भैया फटी हुई तो नहीं है, उन्हीं की देखी जाएगी, क्योंकि अपनी बच्चियाँ तो सिक्योरिटी में रहती हैं, फुल 3-3, 4-4 बॉडीगार्ड लेकर निकलती हैं,
क्यों? क्योंकि खुद आप उच्च वर्ग से आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भारत का जो सबसे बड़ा वर्ग है मुस्लिम्स और दलितों का, 85% हमारे भारत में दलित और मुस्लिम रहते हैं, उनकी ज़िंदगी आज कुछ भी नहीं है। ये कुछ गिने चुने जो हैं ब्राह्मण ठाकुर, ये अपने आप को, सबको नहीं कहूँगी मैं, फिर भी कह रही हूँ, बहुत से लोग हैं जो आज भी अपनी आवाज़ उठाते हैं इस माहौल में। आज भी ब्राह्मण हो गए या ठाकुर हो गए, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पर जिस तरह की सरकार है और सरकार की मेंटेलिटी है, जैसे यहाँ के लोगों के साथ, पुजारी के साथ, क्योंकि वो पुजारी है, उसके साथ अगर वो खड़े हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो भी एक बलात्कारी हैं। अगर आप एक बलात्कारी के साथ खड़े होंगे तो आपसे बड़ा बलात्कारी क्या होगा? उसने तो किया आपको, तो उसने तो हो गया उसको, तुम्हारी तो सोच, तुम्हारी समझ, तुम्हारे पास सब कुछ है, उसके बाद तुम उसके साथ खड़े हो रहे हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी घर की बेटियां शायद आपसे ही सुरक्षित नहीं है, आप अपनी घर की बेटियों के साथ कब बलात्कार कर दो, ये भी कभी कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए साफ साफ बाद में भारत में हमें जो दिशा दिखती है, हमें दूरदर्शा दिखती है, उससे हमें पता चलता है कि भारत में मुस्लिम और दलित की बच्चियों को सिर्फ मजे लेने की चीज मान लिया गया है, और जो देवियां माना गया है वो उच्च कॉल्ड ब्राह्मण जो हैं उनकी लड़कियों को माना गया है। बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि भारत के जो महिलाएं इतनी सुरक्षित हो गई कि अब मेडल लेके आ रही हैं। मेडल मोदी ने तो दिलवाया है, योगी तो बैठ के उनको सिखा रहा था सब कुछ, मोदी ही सिखा रहा था उनको सब कुछ, तब जाकर वो मेडल लेकर आ गई। लड़कियां करें सब कुछ। देखिए, अभी एक टाइम पर फुटबॉल मैच होना था, और फुटबॉल मैच में जब उनसे बोला गया, जो प्लेयर्स थे उनसे जब बोला गया कि हाँ आप क्यों नहीं जीत पाते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं जीत पाते हैं, हमें जब अपने जूते खरीदने होते हैं ना तो ये पूरा स्टेडियम हमें साफ करना पड़ता है, तब हम जाकर जूते खरीद सकते हैं। ये हमारे प्लेयर्स की हालत है, हमारे प्लेयर्स खुद मेहनत करें, उनके माँ बाप जो हैं खुद अपना खून पसीना एक कर दे, अपनी जॉब छोड़ दे, जिस तरह से हमें गीता फोगाट उसमें दिखाया गया था, गीता फोगाट के फादर के साथ जो हुआ, अपनी जॉब छोड़ दे, सब कुछ कर दे, उसके बाद हमारी भारत की जो सरकार है वो शिक्षा का बजट छोड़िए, हमारा खेल का बजट, जब हमारे भारत में सब नाम रोशन करने बाहर जाते हैं लड़के लड़कियां, हमारे शिक्षा का बजट, उसके बाद हमारे खेल का बजट लगातार कम करते रहे, उसके बाद गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल आ जाए तो अपनी वाह वाही कराने, ये मोदी सबसे पहले पोस्टर बनवा ले और लिख दे कि भैया लड़कियां मेडल्स लेकर आ रही हैं, लड़कियां मेडल्स लेकर आ रही हैं, इसमें कोई हमें हर्ज करने की बात नहीं है। हमारी लड़कियां, भारत की लड़कियां शुरू से बहुत ऊपर रही हैं, पर हमारी भारत की लड़कियां इस माहौल में भी ऊपर रही हैं, ये बड़ी बात है, इसका हमें गर्व करना चाहिए। जिस भारत में लगातार लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उन्हीं लड़कियों में से कुछ लड़कियां निकल कर बाहर जाती हैं, उसके बाद इतने बड़े बड़े मेडल जीतती हैं, और फिर ये गंदी घटिया सरकार अपना नाम लेने के लिए आगे आ जाती है कि हमने मेडल दिलवाए। आपको पता है पीवी सिंधु पिछली बार जब सिल्वर जीती थी तो सबसे पहले पीवी सिंधु की कास्ट देखी गई थी गूगल पे कि उसकी कास्ट क्या है। अगर वो दलित है तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, वो भाड़ में जाया, उसका क्या हुआ, जीत लिया। अगर वो चुवक से आती है तभी उसका सपोर्ट करेंगे। यही है हमारा भारत, कि जहाँ पर हमें ये देखा जा रहा है, मीराबाई चानू हो गई या फिर कोई भी हो गया, हमारे भारत के खेल जो खेल खेल रहे हैं, मतलब उनको तो एटलीस्ट शर्म आनी चाहिए। कोई लिख रहा है कि रविंद्र जडेजा के मुझे गर्व है मैं ठाकुर हूँ, कोई लिख रहा है रैना के मुझे गर्व है मैं ब्राह्मण हूँ, आप हमें, मतलब हमें गर्व बताएंगे कि हाँ, आप ये देखिए कि आप जब खेल में चले जाते हैं, जब आपको एक छक्के एक चौके के हजारों करोड़ रुपये मिल रहे होते हैं, उसी जगह जब दूसरे प्लेयर्स ओलंपिक्स में जो पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे होते हैं वो भूखे मर रहे होते हैं, उस टाइम उनके पास कुछ नहीं होता। मीराबाई चानू के घर पे जाकर देखेंगे ना, मेडल्स की लाइन लगी हुई है, आज उनका घर देखिए कैसा है। और उसके बाद आप लगातार आईपीएल खेलेंगे, उसमें लड़कियों को बुलाएंगे, याशिया करेंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर आप गर्व भी करेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, शर्म नहीं आती आपको? मतलब इस माहौल में जब लड़की के साथ बलात्कार हो गया, यहाँ पर सब लोग हैं, आपको नहीं दिखा? अभी भी ब्राह्मण या ठाकुर होने पर गर्व कर लीजिए, आकर देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे भारत में क्या हो रहा है बच्चियों के साथ, पर अब नहीं दिखेगा, आप कोई गर्व नहीं करेगा अपनी जातियों पर। पर यही हम देखते हैं कि अगर भारत की लड़कियाँ मेडल ला रही है, उससे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, उससे गर्व की बात कोई नहीं हो सकती, पर गर्व की बात उनके माँ बाप के लिए है, इस सरकार के लिए नहीं है गर्व की बात। हम लोगों के लिए ज़रूर गर्व की बात है, पर इस सरकार के लिए नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने लगातार खेल का बजट कम किया है, हमारे जितने भी लोग बाहर जाकर कुछ बन सकते हैं उनको और नीचे मिट्टी में दबाया है, ऊंचा नहीं किया है कभी। उन्नाव केस पता होगा आपको, क्लीन चिट मिल चुका है वहाँ बीजेपी नेता। हाँ, उन्नाव का केस बता रही हूँ मैं, कौन सा केस ऐसा है जहाँ पर बीजेपी की सरकार हो और मुजरिम पकड़े गए हो बलात्कार के नाम से, कौन सा है? उन्नाव केस जो हुआ, देखा आपने सेंगर ने क्या किया ना, क्लीन चिट मिल गया, क्लीन चिट मिल गया सेंगर ने क्या किया,
लड़की के बाप मर गया, लड़की का वकील मर गया, एक्सीडेंट करा दिया, क्लीन चिट में आराम से भैया घूम रहे हैं। उनको अभी देखिए एमएलए एमपी होते हैं, फिर उसके बाद लगातार बड़ी बड़ी सीटों के लिए लड़ते हैं। हमारे भारत में क्या है, अगर आप रेप कर रहे हैं, आप बलात्कार कर रहे हैं, आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, आप मुसलमानों को, आप दलितों को गालियां बक रहे हैं, तो आपकी सीट पूरी फिक्स कर दी जाएगी कि हाँ भैया अगर कोई गालियां बक रहा है तो उसके लिए काउंसलर की सीट, उससे ज़्यादा बड़ा कोई मॉब लिंचिंग कर रहा है तो उसको एमएलए की सीट, उससे बड़ा अगर आप लड़कियों को बलात्कार कर रहे हैं, उनको जलाकर मार रहे हैं, तो आपको मिलेगी एमपी की सीट। तो हमारे भारत सरकार में आजकल यही हो रहा है और हमें इसका कोई हैरानी नहीं है कि हाँ भैया ऐसा कैसे हो गया। ये तो बहुत सिंपल सीधी सी बात है कि अगर कोई भी रेप करेगा, ये पुजारी जिसने आज बलात्कार कर दिया, बच्ची को जला दिया, ये पुजारी थोड़े दिन बाद संसद में मिल जाएगा हमें। और जब हम संसद में देख रहे होंगे बैठकर, हम चुन के, हम उसको चुने होंगे बैठकर, हम जैसे लोग जो यहाँ के इनके अंधभक्त बने हैं, खुद जब उनको चुने होंगे तो हमें अपने ऊपर शर्म आएगी कि हमने ऐसे लोग बैठ के संसद में बैठाए हैं, ऐसे लोग चुन के संसद में बैठाए हैं। तो आज जो भी हमारे भारत में हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी एक अंधभक्ति है, जो हिंदुत्व का एक उन्होंने नारा चलाया, दलित कब हिंदू होते हैं, सिर्फ वोटिंग टाइम पे। आज इनको दलित नहीं दिख रहे कि हिंदू थे, आज वो दलित की बच्ची नहीं दिखी कि हिंदू थी, आज तो वो मुसलमान नहीं थी ना, आज तो वो हिंदू थी ना, पर नहीं, वो दलित है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू कब होगी, जब वोट आने वाले होंगे, जब यूपी में वोट डल रहे होंगे ना, तब बोलेंगे कि भैया दलित सम्मेलन, दलित हमारे हिंदू भाई, आपको सबसे आगे बढ़कर ये करना है। तो हमें भारत में जिस तरह की दुर्दशा है वो साफ साफ दिखती है, साफ साफ पता चलती है, और हमें साफ साफ आगे भी आने वाले टाइम में हमें 2024 तक ये सब आने और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। आपका साफ तौर पर जिस तरीके से बात की, ये जिस तरीके से हम दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम लोग जो हैं बेटे के इंसाफ के लिए यहाँ मौजूद हैं, और साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि जब तक बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं।